आज की इस वीडियो में बात भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा की करेंगे, जो मीडिया चैनल्स की डिबेट में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। आज हम उनकी कुछ ऐसे डिबेट्स देखेंगे जिनमें विपक्ष के प्रवक्ताओं ने संबित की क्लास लगाई हो। न्यूज 18 पर तालिबान के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में संबित को ज्यादा समय बोलने पर डिबेट में मौजूद गेस्ट यास्मीन फारूकी ने एतराज जाहिर किया और संबित पात्रा को फटकार भी लगा दी। सबसे पहले तो मैं संबित पात्रा जी को मुबारकबाद दूंगी कि ये शो आज का जो है वो संबित पात्रा जी का है, किसी और का नहीं है। सिर्फ उनको बोलने की अनुमति है, वो जो चाहें जिसको कह दें, जिसको गाली बक दें, हमें हिंदुस्तानी होने से नकार दें, हमें हर कुछ जो दिल में आए वो बोल दें। कॉन्ग्रेचुलेशन संबित पात्रा जी, क्योंकि आपका चैनल है, आप जो चाहे बैठ के बोल सकते हैं। किसने कहा आपको? आप अभी चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है? क्या कितनी बुरी? आपको कुछ नहीं, मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा। एक मिनट संबित पात्रा जी, कहा कि जिसको लगता है कि हिंदुस्तान तालिबानी देश है वो एहसान फरामोश है। बिल्कुल मत बोलिए। आपको अगर हिंदुस्तान तालिबानी देश लगता है तो आप जा सकती हैं मैडम। आप बोलिए यास्मीन जी, मत बोलिए। अपनी बात को रख ले। देखिए मर्यादा, आपने संबित पात्रा में पूरी कथा शुरू कर दी। बोलिए यास्मीन जी, क्या जो तालिबान में हो रहा है वो इंसानियत के दायरे में हो रहा है? आज तक पर संसद में हुए हंगामे के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में सवाल कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा से किया गया, जिस पर पवन खेरा ने संबित पात्रा पर निशाना साधा, लेकिन संबित पात्रा भी भड़क उठे और दोनों के बीच तीखी बहस हुई। अगर पाकिस्तान से बात नहीं की है तो भारत के पार्लियामेंट में इस विषय पर डिस्कशन कैसे हो सकता है? ये तो इनका असली जड़ है। और मुझे समझ में नहीं आया ये राहुल गांधी जी कश्मीरी पंडित कैसे बन गए। दादाजी का नाम फिरोज खान और माता जी का नाम एंटोनियो माइनो, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, एंटोनियो माइनो कोई खराब नाम नहीं, अच्छा नाम है। अंजना जी, इनसे कहिए जरा वरुण गांधी को अभी फोन लगाएं और पूछ लें कि वरुण गांधी जी क्या फिरोज खान से रिलेटेड है, फिरोज गांधी से रिलेटेड है? वरुण गांधी क्या कश्मीरी पंडित अपने आप को मानते हैं नहीं मानते? पहले वहां अभी फोन लगाएं। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा संबित पात्रा जी। रोज रोज अफवाहें फैलाते हो, फरेब करते हो यहाँ बैठकर। फिरोज गांधी एक पारसी परिवार था, जैसा कि मैंने कहा आप प्रधानमंत्री जी के नाना नानी दादा दादी का नाम नहीं बता पाएंगे, मैं राहुल गांधी के नाना नानी दादा दादी सबका नाम बता पाता हूँ। ये अंतर है। हमारी पार्टी के नेताओं का एक योगदान इस देश के इतिहास को बनाने का, इस देश को स्वतंत्र कराने का रहा है, आपकी पार्टी के नेताओं के पुरखों का नहीं रहा है। इसमें क्या गलत है? आप कुछ कर दिखाइए। न्यूज 18 पर तालिबान के मुद्दे पर हुई डिबेट में शोएब जमाई ने तालिबान पर बोलते हुए सरकार को घेरा, जिस पर संबित पात्रा ने पलटवार किया, जिसका शोएब जमाई ने भी करारा जवाब दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि भाई तालिबान के पजामे में छुपने की कोशिश मत करो। ये मेरा ओरिजिनल है, पक्का वाला। तालिबान के पजामे में छुपने की कोशिश मत करो, नकाब तो तुम्हारा भी उतर रहा है। जला दिया आधी रात बेटी को, आबरू तो यहाँ भी उतर रहा है। देखिए अमीश भाई, अभी शोएब जमाई बोल रहे थे, आपने लास्ट में शायद सुना नहीं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने लास्ट में कहा ये जो सैफरन तालिबान है वो उस तालिबान से ज्यादा खतरनाक है। कहना कितना आसान है ना अमीश भाई ये सब। और हम, आप, हम कितने बेवकूफ लोग हैं जो ऐसे लोगों को बुला करके हम उनसे डिबेट कराते हैं और उनको सुनते भी हैं। दूसरी बात, संबित भाई ने एक बात कही कि गोपाल और राम के नाम पे हमने नहीं किया अत्याचार। सर, गोपाल नाम का ही आतंकी आया था जामिया में गोली चलाने हम पर, जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। और राम के नाम पर तो आप रोजाना लोगों को मारते हैं। अभी कानपुर में देखा नहीं, उस गरीब आदमी को जिसकी बच्ची उससे बिलक बिलक के रो रही थी, दुहाई और भीख मांग रही थी कि मेरे बाप को न्यूज 18 पर पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर हुई डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने सरकार को कई जरूरी मुद्दों पर घेरना शुरू किया, जिस पर संबित पात्रा भड़क उठे, लेकिन रागिनी नायक ने भी संबित को सुना दिया। जिसको आप तड़ीपार बोलते हैं ना, उस व्यक्ति ने कांग्रेस को तड़ीपार कर दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा है कांग्रेस पार्टी को। क्या औकात है आज राहुल गांधी जी की और अपनी मेहनत की? जो व्यक्ति तड़ीपार हुआ उसे तड़ीपार कहना गाली देना नहीं होता है। मैं तो कह रहा हूं कि संसद जवाब देंगे आप, संसद में चर्चा तो करिए। आप चर्चा नहीं करेंगे। बहुत महान है राहुल गांधी, बहुत महान है। हम तो चाहते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाए दीदी, हम तो चाहते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाए। इतना महान है राहुल गांधी। मैं कहां राहुल गांधी के खिलाफ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बना दीजिए। राहुल गांधी जी को मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूँ। राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, उनको आप प्रेसिडेंट बना दीजिए। और अगर आपको लगता है उनकी स्नूपिंग हुई है तो उनका फोन जो है आप फॉरेंसिक टेस्ट के लिए तुरंत दीजिए। अमीश जी, मैं चाहता हूँ कि आप ये सवाल कांग्रेस की प्रवक्ता से जरूर पूछे कि क्या राहुल गांधी जी के फोन को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए देंगे या नहीं देंगे।
इस देश, इस देश आप राहुल गांधी जी के फोन को फॉरेंसिक टेस्ट पे देंगे या नहीं देंगे, या केवल चिल्लाएंगे आप इसका तो जवाब दीजिए। आप टेस्ट लिए देंगे राहुल गांधी? संबित पात्रा के इन डिबेट्स पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.